जी बिल्कुल, तंजीम इस्लामी की जानब से इसराइली बर्बरियत और जुल्म के ख़िलाफ़ जो है वह एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली जो है जामिया मस्जिद डी ब्लॉक से शुरू होकर प्रेस क्लब के पर आन कर इख्तिताम पज़ीर हुई, जिसमें तंजीम इस्लामी के कारकुनान और शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इसमें मेरे साथ अमीर तंजीम इस्लामी डॉक्टर मियाँ हफीसा मौजूद हैं, से इस हवाले से बात करते हैं। सर बताइएगा, क्या मुतालबात आपके हैं, क्या कहेंगे इस? हम दोनों से करेंगे, आवाम से तो हमारा मुतालबा ये होगा कि कोशिश करें, ये बिदगते हैं निज़ाम खिलाफत से। इन्होंने पहले खिलाफत हमारी ख़त्म की, फिर फ़लस्तीन का क़याम जो क़याम में आया था, ये पहले 6% थे फ़लस्तीन में, अब मुसलमान 6% रह गए, सारे फ़लस्तीन पे ये काबज़ हो गए हैं। इस वक्त हमारी हुकूमत से गुजारिश होगी कि हर मुमकिन इनकी मदद की जाए, अखलाकी, मादी, मेडिकल और सफारती और जिस लेवल पे जो गवर्नमेंट और पाकिस्तान कर सकती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनका इलाज जैसे हर बीमारी का एक इलाज रखा है। इसराइल की बीमारी का इलाज एक साल पहले 47 में अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान की शक्ल में दे दिया था। अभी ये 27 रमज़ानुल मुबारक और वो जुमातुल मुबारक की रात थी और जुमा भी जुमातुल वदा था। इंशाल्लाह यहाँ पाकिस्तान से मदद जाएगी तो इसराइल जो है वह सरेंडर होगा और दज्जाल का खात्मा होगा। तो फिलहाल हम ये कर सकते हैं कि हम फलस्तीनी भाइयों की जो मदद कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए, जिस लेवल पे भी हो सकती है। शुक्रिया। बिल्कुल, आपने सुना डॉक्टर साहब का ये कहना कि फ़लस्तीनी भाइयों की माली और उनकी जो फर्दन जो इमदाद है उनकी की जाए, पाकिस्तान गवर्नमेंट से उन्होंने यही मुतालबा किया है। जी